वेलकम बैक टू मामिका मैजिक। वेल, आज की तीसरी रेसिपी है मूंग दाल उत्तपम्स, व्हिच इज फुल ऑफ प्रोटीन्स, फुल ऑफ आयरन। अरे कितना दाल का पानी, कितनी खिचड़ी खिलाएंगे आप अपने बच्चों को? आफ्टर ऑल बोर हो जाती है ना वो। सो वी हैव टू कीप थिंकिंग अबाउट इनोवेटिव, लवली, क्रिएटिव आइडियाज जो हेल्दी भी होते हैं, है ना? तो चलिए, ऐसा ही कुछ है हमारा ये लवली मूंग दाल उत्तपम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मेरे पास मूंग दाल सोख करके रखा हुआ है, उसे हम ग्राइंड करेंगे थोड़े से बारीकी से कटे हुए जिंजर के साथ। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, दाल का पानी ही जिसमें आपने दाल को सोख किया है उसी को यूज़ कीजिए, बिकॉज उसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो यू डोंट वांट टू लूज आउट ऑन दैट। इसमें थोड़ा सा अदरक हमने मिलाया और अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। चलिए, यहाँ ये हो गया है ग्राइंड अच्छे से। मूंग दाल बहुत ही आसानी से ग्राइंड हो जाता है, तो ये हम इसे हमने अलग से पीसा है। इसके बाद हम पीसेंगे उड़द दाल। अब उड़द दाल को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, दैट्स वाई हम दोनों को एक साथ नहीं पीसते हैं। तो अब बारी है उड़द दाल की। अगेन इट इज़ बीन सोक्ड इन वाटर और वही पानी हम इस्तेमाल करेंगे। दाल में कितना प्रोटीन होता है इसके बारे तो जितना बोलिए उतना कम है। इट्स वेरी वेरी गुड बोन डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मसल रिपेयर, तो इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट इवन फॉर एडल्ट्स प्रोटीन इज द आंसर फॉर एवरीथिंग। तो स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो दाल बहुत 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 ज़रूरी होता है। पल्सेस आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हियर यू गो, अलग अलग इनोवेटिव रेसिपी से आप दाल को डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये दोनों दाल जो हमने मिक्स कर दिए हैं इसे हम रख देंगे करीब 8 से 10 घंटों के लिए, या फिर ओवरनाइट आप इसे कवर करके रख दीजिए, बिकॉज वी वॉन्ट इट टू गेट फर्मेंटेड। वार्म जगह में रखिएगा, एटलीस्ट नॉट इन द फ्रिज, ठीक है? रूम टेम्परेचर पे हो तभी भी ठीक है, पर फ्रिज में डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी वॉन्ट द फर्मेंटेशन टू टेक प्लेस। फिर हम इसके उत्तपम बनाएंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी एक बैच रेडी है, तो हम उसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए कितने ब्यूटिफुली ये फर्मेंट हो गया है। यू कैन सी द डिफरेंस, जो पहले आप देख रहे थे और अब जो मिक्सचर जिस तरह से हो गया है, आप देख सकते हैं कि द फर्मेंटेशन प्रोसेस हैज टेकन प्लेस। चलिए अब यहाँ पे मैं एक पैन को ऑन कर देती हूँ। अब इसमें हम सीजनिंग डालेंगे, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हींग, ये डाइजेशन के लिए अगेन बहुत ही फायदेमंद होता है। हल्का सा हींग डाला है एंड फाइनली थोड़ी सी हल्दी। कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं इसमें, बिकॉज ये थोड़ा थिक हो गया है। ये हो गया, अब यहाँ तवे पे हम तेल डाल देंगे। तवा मेरा गरम हो गया है। अब ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट लग रही है। अब हम छोटे छोटे उत्तपम तैयार कर लेंगे। देखिए इसके ऊपर ये बबल्स आ गए हैं, अब इसे मैं टर्न कर दूंगी। ब्यूटीफुल कलर। अब दूसरे साइड से भी इसे पकने देंगे, फिर बच्चों को सर्व कर देंगे। देखिए इसी तरह आप अगर अलग अलग चीजें ट्राई करती रहें, इंग्रेडिएंट सेम है, आई एम श्योर दाल की खिचड़ी आप हर दिन अपने बच्चों को देते हैं, राइट? लेकिन उसी इंग्रेडिएंट के साथ अगर आप कुछ और मजेदार एक्साइटिंग बनाएं तो बच्चा भी खुश एंड ऑफकोर्स आप भी। तो चलिए जब तक ये रेडी हो रहा है, आई जस्ट गेट द प्लेट फॉर माई फाइनल प्रेजेंटेशन। ये अब ब्यूटिफुली तैयार हो गया है, इन्हें हम अपने इस प्यारे से प्लेट में निकाल लेंगे। हम लेंगे थोड़े से चेरी टमाटोज, बीच से काट देंगे। यू गोना मेक सम क्यूट लिटिल आईज। हम देंगे इन लवली दाल के उत्तपम को क्यूट क्यूट आईज।
और ये मेरे पास केचप है, उससे हम बना देंगे प्यारा सा स्माइल। अब आप ही बताइए, जब आप ये मूंग दाल उत्तपम अपने बच्चों को खिलाएंगे, डू यू थिंक दे विल रिफ्यूज इट? बिल्कुल नहीं। चलिए देख लीजिए इस रेसिपी का क्विक रिकैप। मिनी मूंग दाल उत्तपम। मूंग दाल और अदरक को 2 से 3 बड़े चम्मच पानी के साथ पीस कर एक स्मूथ मिश्रण बना लें और एक बोल में डालें। उड़द दाल को छानें और 2 से 3 बड़े चम्मच पानी के साथ पीस कर एक स्मूथ मिश्रण बना लें और मूंग के मिश्रण में डालकर अच्छे से मिलाकर एक स्मूथ बैटर बना लें। फिर इसे क्लिंग फिल्म से ढकें और एक गर्म जगह पर 8 से 10 घंटों के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दें। अब फर्मेंट किए हुए बैटर में डालें नमक, हींग और हल्दी पाउडर और अच्छे से मिलाएं। उसमें थोड़ा पानी डालें और मिलाकर एक सेमी थिक बैटर बना लें। मिनी उत्तपम बनाने के लिए तवे पर डालें तेल, उस पर डालें एक कड़छी भर बैटर और फैलाकर छोटे छोटे उत्तपम बना लें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। मिनी उत्तपम को सर्विंग प्लेटर पर रखें। चेरी टोमेटोज को आधा काटें और हर उत्तपम पर 2 आधे रखकर आंखें बनाएं। फिर टोमेटो केचप स्क्वीज करके एक हंसता हुआ चेहरा बनाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। Check the special menu for your child on the Food Food website.